हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों का माई सर्कल एप्लीकेशन में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि लोकेशन प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ स्टेट में रिस्टेक लगा देता है? तो इस प्रॉब्लम को अगर आप लोग सोल्यूशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग ये जो प्रॉब्लम है माई 11 सर्कल ऐप में आप लोग 100% सोल्यूशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में एक बेल आइकन है उसको भी दबा दो, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मेरा मोबाइल की स्क्रीन में। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, एक एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन का नाम है लोकेशन चेंजर। आप लोग प्ले स्टोर में जाके लिख सकते हैं कि लोकेशन चेंजर, इसे लिखने से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली मोबाइल की सेटिंग्स पे जाना है, जो आपका डिवाइस है उस डिवाइस की मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। जैसे आप लोग डिवाइस की सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद आपको अबाउट फोन के ऊपर जाना है। जैसे आप लोग अबाउट फोन के ऊपर आएंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्जन, या कुछ मोबाइल में ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है MIUI वर्जन करके ऑप्शन हो सकते हैं। तो सिंपली आप लोग को उस ऑप्शन के ऊपर लगातार 15 बार या 20 बार आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल में एक ऑप्शन आएगा डेवलपर ऑप्शन, उस डेवलपर ऑप्शन को आप लोग इनेबल कर देना है। जैसे आप लोग का उस मोबाइल में मतलब जैसे आप लोग का मोबाइल में एक ऑप्शन आएगा डेवलपर, तो मैं सिंपली सर्च बॉक्स में जाके आप लोग भी सर्च कर सकते हैं डेवलपर ऑप्शन, या आप लोग का मोबाइल में एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके लास्ट में देखना है कि आपका एक डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग का मोबाइल में अगर सर्च करने का ऑप्शन है तो आप लोग सिंपली डेवलपर ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लोग डेवलपर लिखेंगे तो आपका ऊपर की तरफ डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये जो पहला ऑप्शन है इसको आपको 1 रखना है। 1 रखने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे कि आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट बुक लोकेशन ऐप, उसके बाद आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो लोकेशन चेंजर एप्लीकेशन को डाउनलोड किया उसी एप्लीकेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है। तो गाइस, जैसे मैं माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है किस तरह का फेस करना पड़ता है। तो मैं सिंपली जैसे कि ऐड कैश के ऊपर क्लिक किया, ऐड कैश के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से ऐड कैश के ऊपर क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों का मोबाइल में शो करता है, जो एप्लीकेशन है उसी में शो करता है। देखिए, इसमें लिखा है सॉरी, मतलब आप इस जो स्टेट में बैन है, रिस्टेक है, उसी स्टेट में आप लोग प्ले नहीं कर सकते। तो कंटिन्यू करने के बाद भी आप लोगों को कुछ यहाँ से नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं अभी आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ सोल्यूशन करूँगा। तो सिंपली आप लोग उसी एप्लीकेशन के जो मैं आप लोगों को बताया लोकेशन चेंजर, या आप लोग GPS इम्यूलेटर को डाउनलोड किया तो उसी को आप लोग इंस्टॉल करके वो कर लेना, सेटिंग्स वगैरह कर लेना है। तो मैं GPS इम्यूलेटर को ओपन किया और यहाँ से लोकेशन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली उस ऐप को फास्ट में कट कर देता हूँ, मतलब मिनिमाइज़ कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद फिर से मैं माई 11 सर्कल के ऊपर जाता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे फिर से मैं माई 11 सर्कल को ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ओपन करने के बाद फिर से ऐड कैश के ऊपर गया और यहाँ से ऐड कैश के ऊपर फिर से अगेन क्लिक किया और अभी देखता हूँ ये प्रॉब्लम शो करता है या नहीं। देख सकते हैं गाइस, अभी के टाइम में प्रॉपरली हट गया है मेरा इस एप्लीकेशन से, अभी ये प्रॉब्लम आप लोग को शो नहीं करेगा। तो जैसे मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताया, सेम आप लोग प्रोसेस करना, तब जाके आप लोग का जो सोल्यूशन है वो 100% हो पाएगा। तो देख सकते हैं अभी आप लोग चाहे तो यहाँ से डिपॉजिट करके आराम से गेम प्ले कर सकते हैं, कोई भी इशू आप लोग को नहीं आएगा। अगर फिर भी आप लोग को कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों का अगर कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, या मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम में जाके आप लोग बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, साथ में एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।